क्या हुआ दी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? वैसे तो मैं बिजी हूँ, लेकिन आपके लिए बिजी नहीं। बोलो ना क्या हुआ। अरे जी, आप ये देखो पहले, क्या ऑसम डिजाइन्स निकाली है नेट से। कैसी है? नाइस। सिर्फ नाइस? अरे अमेजिंग है ये, अमेजिंग। इतना अच्छा डेकोरेशन क्या दिया आप भी। ये सृष्टि ने अपना फोन कहाँ रखा है? ओ यस, वो रहा। तेरा फोन कहाँ है? यहीं पे पड़ा होगा। क्यों? वो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर तुझे अपना फोन चार्ज करना है तो अभी जाके कर लेगी, कि बाद में मैं नहीं करने दूंगी। मतलब बाद में क्यों नहीं चार्ज करने दोगे? अरे इतने सवाल कर रही है, बाद में मुझे भी तो मेरा फोन चार्ज करना है ना, मुझे बहुत काम है, जल्दी जल्दी कर जो करना है। ओ ये तेरा ही फोन है ना, जा फटाफट बाहर चार्जिंग पे लगा ले। अरे यार ये आप थैंक्स बट नो थैंक्स, मेरा फोन ऑलरेडी चार्ज्ड है। ऐसे तो मेरे सारे प्लान की डाटा फिस हो जाएगी। मेरे फोन की तो बैटरी बस जाने ही वाली है। जा सर जी, बाहर जाकर मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दे। ये ले चार्जर, फटाफट से, मुझे और भी काम है ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जा। अरे ती उधर ही प्लग पॉइंट है, लगा दो ना यार। आप देख रहे हो ना मैं काम कर रही हूँ। वो नहीं चल रहा है। अरे सुबह तो चल रहा था, ऐसे कैसे नहीं चल रहा है? कितने सवाल करिए ना सृष्टि, इतना सा काम का है कि बड़ी बहन का फोन जाकर बाहर चार्जिंग पे लगा दे, उसमें सवाल पे सवाल करके उसे टाल रही। अरे अब बड़ी इंटीरियर डेकोरेटर बन गई है तो इतना सा काम नहीं कर सकती, समझ में आ रहा है मुझे? नहीं करना है तुझे, साफ साफ बोल रही। अरे मेरी माँ, बस करो यार, इतनी सी बात के लिए इतना लेक्चर सुना दिया यार आपने। लाओ इधर, कमाल है यार, सीरियसली। वेरी गुड, अब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। दी, एक बात आ रही है दिमाग में, सोच रही हूँ आपको बता ही दूँ, क्योंकि अगर नहीं बताया ना तो मेरा पेट दुखने लगेगा और फिर मेरे दिमाग के पेज भी ढीले हो जाएंगे। बोल। अब मुझे आपसे पूछना था कि आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है, मतलब मेरा फोन चार्ज कर, तेरा फोन चार्ज कर, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेट हो रहा है, आराम से बेड पे तो बैठे हो। बहुत काम है मुझे, दो मिनट बैठ गई उसमें भी तुझे तकलीफ हो रही है, ठीक है मैं जा, लाए, एक मिनट, कर रही हूँ, जा रही हूँ चार्ज कर। ये पेपर वाले को भी नहीं दिया है इस महीने का बिल, और ये बिजली का बिल भी कितना आ गया है। बीजी पता नहीं, बिजली ना बंद कर देनी चाहिए जब चाहिए हो। हाँ ये बनिया का बिल आया हुआ है, मैंने सामान मंगाया था उसको भी जोड़ लो। क्या क्या मंगवा लेते हो तुम लोग हैं? पेंजी, ये बिजली का बोर्ड में ना करंट आ रहा है, खराब हो गया है। मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया था, कह रहा था कि अभी टाइम नहीं है, शाम को आऊंगा। अब देखो मैंने आप सबको बता दिया, फिर ना कहना कि मैंने किसी को बताया नहीं। हाँ हाँ सुन लिया हमने, करंट आ रहा है। वैसे भी इलेक्ट्रिशियन को 10 बार फोन करो तब आता है, सबको पता है। अरे उस प्लग में तो करंट है, सृष्टि तो फोन चार्ज करने वहीं जा रही है। क्या हो गया माँ को? माँ कुछ कह के नहीं रही? सृष्टि रुक जा, वो स्विच है ना उसमें करंट है, ऐसे झटका लगेगा, मत लगा। ओ अच्छा अच्छा, प्रीता दी के साथ जो गलत किया उसकी गिल्टी फील कर रहे हो ना, और मेरे साथ जो बिना वजह बात बंद कर दी उसका अफसोस है ना आपको? लेकिन मैं भी आपसे पक्की वाली कट्टी हूँ, इसलिए परेशान है ना आप, इसलिए बहाने ढूंढ रही हूँ मुझसे बात करने के लिए। और हाँ, ये झूठ मूठ की फिक्र करना छोड़ दीजिए आप, मुझे पता है ये सब नाटक है, झूठ है, कोई फिक्र नहीं आपको मेरी, बस बात करने के बहाने ढूंढ रही हैं आप ना मुझसे बार बार लगातार। और ये जो आपने कहा है ना, ये 2 सेकंड के अंदर साबित कर दूंगी कि झूठ है। देखना अभी सृष्टि, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो? सृष्टि रुक जा, मेरा हाथ पूरा कांप रहा है। कैसी नौटंकी बाज है ये, हाँ ये
मामूली जा करंट है। मुझे तो कितने चटके लग चुके हैं, मैंने तो नहीं कुछ ऐसा किया। जान के आंधी वो ऐसी है, उसे जरा सा कट भी लगता है ना और उसे बैंडेज लगाओ इतना चीखती है जैसे कि कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। मन कर रहा है कि थप्पड़ लगा दूं तुझे, कभी बात नहीं सुनती है और अब कुछ बोलेगी भी नहीं। दर्द हो रहा है ना, सुनना चाहिए ना। माँ कुछ बोल रही है तो भलाई के लिए बोल रही होगी, और अगर नहीं भी बोल रही है भलाई के लिए तब भी सुनना चाहिए। तुझे पैदा किया मैंने, पड़ोस के घर से या वो मंदिर की सीढ़ियों से उठा के नहीं लाई हूँ, इसीलिए मुझे भी दर्द होता है जब तुझे दर्द होता है। कुछ बोल क्यों नहीं रही दादी? अभी कुछ नहीं बोलेगी, अभी सिर्फ रोएगी। यहाँ पे लगी ना, कुछ बोल तो सही ना। सुना रहे हो यार, एक तो तू जोर से करंट लगाया मुझे और ऊपर से मुझे ही डांटे जा रहे हो। खून सूख गया मेरे अंदर का, इतना जोर से झटका लगाया मुझे, पर पूरा हाथ काम से गया मेरा हाथ यार। ए डॉक्टर नहीं, जरा ये तो पता करंट लगने से क्या खून सूख जाता है? अरे मुझे तो दो बार लग चुका, इसका मतलब मेरा 2 लीटर खून सूख गया। नहीं आंटी, नौटंकी कर रही है। कुछ नहीं होगा, वो एकदम से झटका लगा ना इसलिए तो घबरा गए। अब देख खून नहीं सूखेगा कुछ भी, सब ठीक हो जाएगा। तू रो मत। क्यों ना रो मैं? हाँ जब देखो तो मुझे सुनाते रहते हो आप, छोटी होना तो सारा कुछ मैं मुझ पर ही निकालते हैं। और ये थोड़ा झटका क्या होता है, इतने जोर से करंट लगा है, थोड़ा ज्यादा थोड़ी होता है, करंट तो करंट होता है ना। ये नहीं कि दूसरी माओ की तरह गले लगा ले अपने बच्चे को, ये नहीं करेंगे आप। सब ठीक हो जाएगा, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना। मांगने के बाद झप्पी मिल रही है, ये नहीं कि खुद से झप्पी दे दो यार। कोई मेरे लाड ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करता यार मुझे। सब तुझे प्यार करते हैं, मैं भी करती हूँ, घर में सब भी। और अच्छा ठीक है, अब तू बोल रही है ना इसलिए झप्पी नहीं मार रही हूँ, मैं मन से झप्पी मार रही हूँ क्योंकि मैं तुझे झप्पी मारना चाहती हूँ। ये दे। तो फिर आपने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की? मैंने बात नहीं की? हाँ तूने बात नहीं की। ये इल्जाम भी ना मुझ पर ही डाल दो। अरे मैं तो बच्ची हूँ यार, अगर नाराज हो गई तो कौन मनाएगा मुझे, कौन माफी मांगेगा, छोटा है बड़ा? छोटा मुझे कुछ तो ऐसे बोलोगे? मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सब हल्के में लेते मुझे क्योंकि मैं छोटी हूँ ना। कह तो रही हूँ बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इतना ही प्यार करती हूँ, सॉरी बोलने में क्या जाता है? कुछ जाता है आपका सॉरी बोलने में? अगर मेरी सॉरी बोलने से तू मुझसे बात करना शुरू कर देगी, मुस्कुराएगी और ऐसे रोएगी नहीं ना, तो सॉरी। आई लव यू टू। नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोल, ऐसे सॉरी नहीं चलेगी। ठीक, सॉरी। इसका मतलब आप तीनों की टिकड़ी थी है? नहीं। हाँ जानकी, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। हाँ हाँ देख लेना मुझे, यहाँ कौन सा किसी को परवाह पड़ी है। अरे बरसों से आप मुझे डांट रही हो, अब तो आपके डांट का असर भी नहीं होता मुझ पर। एक बात है बहन जी, जो आपने कान पकड़ के दिखाया है ना मुझे, ओहो क्या सुकून मिला है, बहुत ही अच्छा लगा कसम से। अरे आप तो बिल्कुल बड़ी सृष्टि लग रहे थे, बड़ी सृष्टि छोटी सृष्टि से ये करके झगड़ रही थी। सच्ची बहन जी आप बहुत ही क्यूट लग रहे थे। बीजी इन दोनों ने तो बचपने वाली हरकत की है, लेकिन आप, आपको क्या हो गया, आप भी इसमें शामिल हो गए? क्यों, तू अपने को देखना, तू क्या सृष्टि से कम है? अरे ये तो सारा कमाल मेरी प्रीता का है, जिसने आइडिया निकाला कि कैसे तुम दोनों को मिलवाया जाए। और भाई मैं तो भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उसने इस अकलमंद लड़की को इस घर में भेजा, नहीं तो पता नहीं तुम दोनों का क्या होता। मतलब हम दोनों पागल है, इसमें कोई शक है क्या? आप लोग बैठिए, मैं अभी राखी मैम और करीना मैम को बोल देता हूँ कि आप आए हैं। शुक्रिया। मैं बाहर से बस घर पहुंची थी कि तुम मुझे पकड़ के यहाँ पे ले आई। यूँ अचानक तुम शादी के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? बात क्या है?
क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तुम्हारी मॉम हमारे प्लान का हिस्सा होंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो हमारे प्लान का हिस्सा है। तुम्हारी मॉम को बस एक मोहरा बनाकर हम अपनी चाल चलेंगे। मॉम, आपको हमेशा मैं क्यों गलत लगती हूँ? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है और मैं शादी के लिए बिल्कुल डेस्परेट नहीं हूँ। वो तो आप कहते रहते हो कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, तो मैंने सोचा ठीक है, आप भी टेंशन फ्री हो जाओगी। दैट्स इट। ओह रियली? तुम कब से मेरे बारे में इतना सोचने लग गई? अगर तुम्हें अपनी माँ की जरा भी फिक्र होती ना, तो तुम उस आदमी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ती। कुछ ना कुछ तो बात है, क्या प्लान है तेरे दिमाग में?